सो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप ऑल इंडिया से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, हर चीज़ को वन बाई वन यहाँ कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्कुल नई जॉब वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से बिलोंग करते हैं, आप इन वैकेंसी में एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, पोस्ट कौन कौन सी आउट हुई हैं, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी इसमें किस तरीके से होने वाली है। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में समझाने वाली हूँ, कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई हैं, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ मांगी है, कैसे आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी सबडेट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं जिसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर हमारी साइट को सीधा गूगल पे टाइप कर पाए, आपको पहली नंबर पे साइट मिल जाती है। चलिए ज़्यादा टाइम भी लेंगे, सीधा बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई जॉब अपडेट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्ट जॉब वैकेंसीज आ गया, कोई एग्जाम नहीं है। सेकेंड नोटिफिकेशन आ चुका है अमेजोन की तरफ से, ये दोनों वीडियोज़ आपको इसके बाद मिलेंगे। कहाँ पर? हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीत शर्मा, यूट्यूब में लिखना मीत शर्मा चैनल, ये हमारा बैनर है, आपको चैनल ये मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल बात करें लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का परमानेंट जॉब है, कोई भी अप्लाई कर सकता है फ्रेशर्स, ठीक है। इसके अलावा एक है पोस्ट ऑफिस का, सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस का भी समझा देती हूँ। पोस्ट ऑफिस का ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आप ऑल इंडिया से अप्लाई देखिए कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इन वैकेंसीज के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन के बारे में, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, 10th 12th ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पे तीनों में से एलिजिबल है और इन वैकेंसीज में अप्लाई देखिए कर सकता है, ठीक है। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं आपको बताऊं, आपके लिए 38,000 प्लस वैकेंसीज हैं, ठीक है। कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को उनकी यहाँ पे होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। यहाँ पे मैं बात करूँ GDS मतलब ग्रामीण डाक सेवा की लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, अप्लाई भी शुरू हो गया है, वो आपको बताती हूँ। ये जो पोस्ट ऑफिस का नोटिफिकेशन है इसके लिए अभी शॉर्ट अपडेट आया है, ऑल इंडिया के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन नियर बाय मिलने वाली है। इसके लिए जैसे ही अप्लाई शुरू होगा मैं अप्लाई की वीडियो भी ले आऊंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वैकेंसी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का, अप्लाई यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना होगा, अपने आपको रजिस्टर करके लॉग इन करके अप्लाई करें, विद इन 30 डेज आपको यहाँ अप्लाई करना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये आपकी परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें आपकी क्या रहने वाली है एप्लीकेशन की फ़ी, तो यहाँ पे देखिए
अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, अगर आप जनरल AWS OBC या अदर कोई आपके अनडिजर्व कैंडिडेट है, अदर अनडिजर्व कैंडिडेट, उनकी 100 रुपी फ़ी है। इसी के साथ साथ फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे फीमेल अब मेल, चाहे फीमेल अनडिजर्व कैटेगरी से, चाहे रिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर रिजर्व कैटेगरी SC PWD की बात करें, उनकी भी कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एप्लीकेशन की फ़ी है वो सिर्फ जनरल OBC AWS की है 100 रुपीज़, किसी कैटेगरी की बाकी कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। इसमें अगर वैकेंसी के बारे में बात करें, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की ये वैकेंसीज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग पोस्ट है, 2 से 3 तरीके की आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना, जिसमें पहले यहाँ पे जो पोस्ट है इंस्पेक्टर के लिए है यहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करें, असिस्टेंट की है, उसके बाद है यहाँ पे आपकी इंस्पेक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, ग्रुप बी एंड सी के लिए ये वैकेंसी बेसिकली आउट हुई हैं। इसी के साथ साथ और भी वैकेंसीज में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें अपर डिवीजन क्लर्क की है, अकाउंटेंट की है, ये अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी वैकेंसीज है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जो मैंने 3 तरीके की आपको वैकेंसी बताई है, पहली असिस्टेंट की, सेकंड टैक्स असिस्टेंट की, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आपको बताई है, इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क की, अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज, ठीक है। इन वैकेंसीज के लिए जिन भी कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी डिसिप्लिन में पास आउट की है, आप इन वैकेंसी में एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसीज है इसमें सैलरी देखिए आपकी 25,500 से 1,51,000 सैलरी है। सिलेक्शन बात करें, टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर होगा, फिर आपका टीयर 2 होगा, जहाँ पे टीयर 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, जिसमें सब्जेक्ट देखिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके रहेंगे। ईच सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, मतलब 50, तो जैसे आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो वो आपको मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ, तो 50 मार्क्स का आपका हो जाता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 60 मिनट का आपको टाइमिंग यहाँ मिलेगा। टीयर 1 जो क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको टीयर 2 यहाँ पे होना होगा, ठीक है, जिसमें सेक्शन 1 में यहाँ पे आपकी जो है वो 60 मार्क्स के, आप 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे 180 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेक्शन 2 का यहाँ पे रहेंगे 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स के, ये भी 3 मार्क्स का ही होगा ईच क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन 3 आपका जो है वो डेटा एंट्री स्पीड वाला टेस्ट होगा, जिस पोस्ट के लिए चाहिए, जैसे क्लर्क के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 आपका स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स के हो गए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए नहीं है, ठीक है, एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 32, सो अदर्स को एज पर नॉर्म्स यार रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की परमानेंट वैकेंसीज होती है, ये हमेशा रिलीज की जाती है SSC CGL के अंडर, तो उन्हीं के अंडर ये वैकेंसीज आ गई हैं, जल्दी जाके अप्लाई करना है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई इन वैकेंसी में जरूर करना है। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, चाहे आपको बुक से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, या किसी अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, मुझे तभी पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आ रही है तो कमेंट करो, ठीक है, आपको वेट कर लेना है, पेशेंस रखना है, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा, ठीक है। देखिए हमारे चैनल को मैं हमेशा आपको बोलती हूँ सब्सक्राइब जरूर रखा करें, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। तो आपके अपने चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके अलावा सेकंड यूट्यूब चैनल हमारा मीत शर्मा है, फटाफट यूट्यूब में टाइप करके सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टा पे, फेसबुक पेज पे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी कोई भी क्वेरी है शेयर जरूर करा करें, तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है तो हम सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा इंक्लूड कर पाए वीडियोज पर, और आपके कमेंट का भी रिप्लाई कर पाए, तो जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।